आज मैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक ला रहा हूँ जो हम सबके और हमारे बच्चों के और हमारे आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं सबके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं सीजनल इन्फेक्शंस। सीजनल इन्फेक्शंस का दूसरा नाम है फ्लू, तीसरा नाम है इन्फ्लुएंजा लाइक सिकनेस, चौथा नाम है सर्दी खांसी बुखार। तो ये जो मौसम चेंज पे होते हैं इनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जब ये होते हैं तो एक मरीज में किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि किन सिम्टम्स से आप ये पहचान सकते हैं कि आपको मौसमी बुखार हुआ है या वायरल इन्फेक्शन ही हुआ है जिसको हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और किस तरीके से आप इन बीमारियों से नेचुरली लड़ सकते हैं और किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए यूजफुल है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम सबको लगभग पूरे जीवन काल में 200 सर्दी खांसी के इन्फेक्शन होना तय है। सो आप समझ सकते हैं कि 5 साल ऑफ इलनेस सर्दी खांसी के कारण हम पूरे अपने जीवन काल में व्यतीत करते हैं, और जितने भी कोल्ड इन्फेक्शन होते हैं इनके बेसिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन जानलेवा हो सकते हैं कुछ लोगों में, स्पेशली छोटे बच्चों में, कमजोर लोगों में, या जिनको बहुत सारी ड्रग्स चल रही हो, एलोपैथिक मेडिसिन स्पेशली कीमोथेरेपीज चल रही हो, स्टेराइड्स चल रही हो, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए एंटी मेटाबोलाइट्स या बायोलॉजिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चल रही हो, ये सभी एक्सपोज्ड हैं आज की डेट में इन वायरल इन्फेक्शंस और उनके कॉम्प्लिकेशन और उस कॉम्प्लिकेशन से होती हुई मोर्टेलिटी या डेथ्स के लिए। सो फ्रेंड्स, इसलिए ये बात जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वायरल इन्फेक्शन है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी कॉज कर सकते हैं, उन्हीं में से आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी महामारी के रूप में निकलेंगे। इसलिए ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी इंगित करेगा कि वाई नेचुरल ट्रीटमेंट्स होम्योपैथी एंड आयुष होल्ड्स अ वेरी हाई ग्राउंड्स इन दीज वायरल इन्फेक्शंस। फ्रेंड्स, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आप में 7-8 साइंस दिखाई देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है। पहला साइन होता है कि आपको हल्का सा गर्दन पे टाइटनेस महसूस होगी, आपको लगेगा आप थके हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं, सर में दर्द होगा, नाक कान में हल्का सा कंजेशन होगा, यू फील लाइक यू नो यू फील यू बीन सफ्यूज्ड और कंजेशन होगा, हल्का सा हेडेक्स आपको रोजाना महसूस हो सकता है। इसके अलावा बॉडी में कमजोरी, बॉडी में कंपनसी महसूस हो सकती है, फीवर चढ़ेगा, फीवर इज अ वेरी कॉमन साइन। इसके अलावा डिस्चार्जेस हो सकते हैं, नाक से डिस्चार्जेस हो सकते हैं, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बार बार आपको पेशाब लग सकती है, मुंह सूख सकता है। इसके अलावा बॉडी में दर्द पैदा हो सकता है, भूख कम हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उल्टियां महसूस हो सकती है खाने के बाद, कभी कभी पेट में और इन एरियाज में आपको जलन महसूस हो सकती है। ये सभी साइंस है वायरल इन्फेक्शन के। तो कोई भी जो सीजनल फ्लू आपको होता है उसमें 4 स्टेजेस होती है मेडिकली स्पीकिंग। एक होती है इनक्यूबेशन की, दूसरी होती है प्रोड्रोम या प्रीडिस्पोजिशन की, तीसरी होती है इलनेस या एक्यूट फेस की, और चौथी होती है कन्वालेसेंस, मतलब आपकी रिकवरी की। तो पहला जो पार्ट होता है उसमें आपको बीमारी आपके अंदर बीमारी के गुण पैदा करता हुआ जो पैथोजन है बैक्टीरिया वायरसेस वो मल्टीप्लाई करता है। दूसरे लेवल पे आपकी बॉडी कुछ साइंस के रूप में उस इलनेस से लड़ते हुए सिम्टम्स और साइंस एग्जिबिट करती है। तीसरी स्टेज हो गई जिसमें आपकी बॉडी काफी कुछ रिएक्ट करती है, आपकी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। वो फ्रेंड्स यही स्टेज होती है जब कोरोना या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फ्लू आपके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के जरिए आपकी जान ले सकती है। स्पेशली कोरोना वायरस इस समय लंग्स में जब इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी बॉडी जब उनसे लड़ती है तो वो जो इम्यून डस्ट स्टॉर्म होता है उसके कारण आपको आपके जो कैविटीज होती है लंग्स की उसमें इतना द्रव निकल आता है, फ्लूइड का रिसाव होता है कि आप एस्फिक्सिया या आप यू डेवलप अ पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक्स और एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, इन सब फ्यूचर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चल रहे हैं आपके अंदर तो डेफिनेटली आप एक डॉक्टर से मिलिए, होम्योपैथी डॉक्टर हो या आयुर्वेदा का डॉक्टर हो या एलोपैथी का डॉक्टर है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। मैं आपको बोलूंगा कि प्रेफर होम्योपैथी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन वायरल इन्फेक्शन के लिए सालों साल कारगर रहे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, और वो समय के साथ पेशेंट्स को रिकवर करते हैं, कुछ पेशेंट्स को इमीडिएटली रिकवर करते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर होम्योपैथी वेदर फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर एवरी वन अराउंड मी, फॉर माई पेशेंट स्पेशली आई एम देयर। सो फ्रेंड्स, ये जो भी सिम्टम्स मैंने बताया ये वायरल इन्फेक्शन के होते हैं। देखिए, वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली
रीनो वायरस नाम की वायरल वायरस से होता है। इसके बहुत सारे सेरोटाइप्स होते हैं और ये वायरसेस जो होते हैं सर्दी खांसी प्रोड्यूस करने वाले, चाहे वो कोविड हो चाहे रीनो वायरसेस हो अलग तरीके के वायरसेस हो, इनकी जो जो डीएनए है या इनके आरएनए कैप्सिड है, इनके जो बेसिक जीन्स होते हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। वो इतना ज्यादा चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ये म्यूटेट होते हैं कि उनके लिए हमारी इम्यूनिटी को भी पहचानना मुश्किल होता है, साथ में उनके लिए कोई रेगुलर ड्रग्स मेडिकल साइंस में निकल नहीं पाती है। तो इसलिए जो एलोपैथिक पद्धति है वो वायरल इन्फेक्शन में पूरी तरीके से फेल हुई है। उल्टा इन ड्रग्स को खाने के बाद और एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में खाने के बाद पेशेंट्स की डेथ के रेट्स और बढ़ जाते हैं। और थोड़ी सी सांस की दिक्कत में एक हेल्दी आदमी पहुंच जाए तो वेंटिलेटर्स और नोजोकोमियल इन्फेक्शन या कंट्रीब्यूटरी मिस्टेक्स के अंतर्गत पेशेंट के डेथ के चांसेस उस वायरल के इन्फेक्शन की तुलना में कहीं बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप समझ पाए कि आपको इन्फेक्शन है और आप सही चॉइस करके आयुष पद्धति या होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट लें एंड डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। फ्रेंड्स, एक और बात है, इनके कॉम्प्लिकेशन जानना जरूरी है। कोई भी सर्दी खांसी के इन्फेक्शन आप में निमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप में मेनिनजाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं, साइनोसाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आपके साइनस का इन्वॉल्वमेंट हो, कंजक्टिवाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्ट की झिल्ली की सूजन पैदा कर सकते हैं, किडनी फेलियर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी सिम्टम्स लंबे चले और आपकी दवाइयाँ, घरेलू दवाइयाँ या आप जो भी पॉपिंग पिल्स कर रहे हैं वो हेल्प नहीं कर रही है, तो आप डेफिनेटली एक ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ससंगीज में हम हर समय आपके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। आप मुझे लिख भी सकते हैं, आई एम श्योर दैट विल श्योरली बेनिफिट यू। और फ्रेंड्स, इन सभी ट्रीटमेंट्स में नेचुरल डाइट, आचार व्यवहार और सेफ मेडिसिन, इन तीनों का ही बहुत महत्व होता है फ्लुएंजा लाइक सिकनेस के लिए। फ्रेंड्स, इन सब की एडवाइस के साथ आई एम गोइंग टू क्लोज द माय ट्यूटोरियल। आई एम श्योर दिस विल बेनिफिट यू और इन जितनी भी एडवाइसेज हैं इनको बहुत ध्यान से आप यूज़ करिए, समझते यूज़ करिए और अपने डॉक्टर से मिलकर यूज़ करिए। प्रोफेशनल एडवाइस की आवश्यकता जहाँ पे वहाँ पे लीजिए, आप सब चीज़ को पर्सनली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। मुझे आगे तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। ऑल द बेस्ट।